नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास वैज्ञानिक सत्र में। दोस्तों, मैं हूँ आपका प्यारा दोस्त डॉक्टर राजा बाबू, और आप देख रहे हैं डॉक्टर राजा बाबू लाइफ स्टोरी। मैं आपसे इस कड़ी में लगातार चर्चा कर रहा हूँ थायराइड ग्लैंड और थायराइड संबंधी गड़बड़ी के बारे में। दोस्तों, थायराइड संबंधी गड़बड़ी के बारे में आज मैं इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, एक थायराइड जब कम हो जाता है तो उसी लेवल में एक जिसको हम लोग कैटेगराइज करते हैं, जिसको हम लोग प्रकार देते हैं, वो कंडीशन है, उस पर चर्चा कर रहा हूँ। और वो कंडीशन है सब क्लिनिकल हाइपोथायरायडिज्म। देखिए, ये जो विषय है जो मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ, लगातार जन सामान्य को भी ध्यान में रखते हुए मैं इस पे आपके समक्ष बातें रख रहा हूँ। साथ ही ऐसे लोग जो हमारे चिकित्सा संबंधी सहपाठी है, या हमारे अनुज है, या हमारे वरिष्ठगण भी है, उनके पुनरावृत्ति हेतु मैं डाल रहा हूँ। मेरा कहीं मकसद अपनी कहीं भी बड़प्पन साबित करना नहीं है, विद्वता साबित नहीं करना है, न ही मैं विद्वान हूँ। बस जो जानकारी है वही आपके बीच में इस वीडियो के माध्यम से साझा कर रहा हूँ, और उम्मीद है आप लोग अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखेंगे और इसे समझेंगे। देखिए, इसमें सबसे बड़ी चीज क्या है, सब क्लिनिकल हाइपोथायरायडिज्म जो मैं बातें कर रहा हूँ, ये है कि ये अर्ली यानी कि शुरुआती दौर में ही हल्का सा हाइपोथायरायडिज्म का केस है। हाइपोथायरायडिज्म यानी कि जिस लेवल में टीएसएच लेवल ज्यादा होता है, थायराइड कम सेक्रेट होता है थायराइड ग्लैंड से, तो वैसे की शुरुआती अवस्था है ये, और हल्की अवस्था है। अगर यहाँ ध्यान दिया जाए तो मुझे लग रहा है कि बहुत कुछ सुधारा जा सकता है। और ये क्या है कि ऐसे समय में आता है जब बॉडी हमारा पर्याप्त मात्रा में थायराइड हार्मोन नहीं बना पाता है। दूसरी बात है कि ये सब क्लिनिकल इसलिए है क्योंकि ये जानकारी जब क्लिनिकली एग्जामिनेशन करते हैं, क्लिनिकली डायग्नोस्टिक प्रोसीजर अपनाते हैं, जांच के क्रम में ये गड़बड़ी आती है, जिसमें कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन टीएसएच वो आपको पिट्यूटरी ग्लैंड से सेक्रेट होता है। क्योंकि देखिए, ये पूरे जो थायराइड की बातें करें तो यहाँ जो है आपको हाइपोथैलमस है, हाइपोथैलमस के नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड है, और उसके बाद थायराइड ग्लैंड है। हाइपोथैलमस थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सेक्रेट करता है, वहीं पिट्यूटरी ग्लैंड का अगला हिस्सा जो है वह आपको थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सेक्रेट करता है, और जिसके प्रभाव से आकर के आपका थायराइड ग्लैंड थायराइड हार्मोन सेक्रेट करता है। तो यहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड का जो अगला हिस्सा है वहां थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का सेक्रेशन कम हो जाता है, लिटिल बिट, यानी कि नॉर्मल से थोड़ा सा, माने ज्यादा कह सकता है, टीएसएच का सेक्रेशन थोड़ा ज्यादा हो जाता है। अगर टीएसएच का सेक्रेशन ज्यादा हो गया तो ये साफ इस बात का साबित करता है कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ज्यादा हो रहा है, यानी कि थायराइड हार्मोन कम बन रहा है। ये क्षमता बढ़ाने के लिए कि और बनाओ और बनाओ, ये अपना लेवल बढ़ा देता है। देखिए, इसमें क्या मिलेगा, यूजली वही गड़बड़ी मिलेगी जो आप पिछले मेरी कड़ी में देखे होंगे हाइपोथायरायडिज्म का, है ना, तो वही चीजें आपको मिलेगी। वैसे कभी कभार इसको लोगों को पता नहीं चलता क्योंकि सिम्टम रहता नहीं है, तो सिम्टम नहीं रहेगा तो लोगों को लगेगा कोई गड़बड़ी है ही नहीं, तो ऐसी स्थिति में डिप्रेशन हो जाता है ना, मानसिक अवसाद होना, कब्ज होना, कंस्टिपेशन होना, फैटिग यानी कि शिथिलता, लगेगा शरीर में कोई जान नहीं है, कुछ नहीं करते हैं, आलस ज्यादा बढ़ जाना, ऐसे में गाइटर जो केसेस होते हैं, गल घोटू बीमारी जो हो जाती है, वजन बढ़ने लगता है और बाल झड़ने लगता है ऐसे लोगों में, और ठंडी वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है। ये सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ी गड़बड़ी है थायराइड हाइपोथायरायडिज्म का सबसे बड़ा। अब कारण क्या है, तो देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण है जो हमने बताया, फुल ब्लॉन्ग जो देखें कि जो हाइपोथैलमस है वह थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलमस सेक्रेट करता है, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, उससे नीचे आ जाए वह सेक्रेट किया पिट्यूटरी ग्लैंड को, बोला तू सेक्रेट करो, उसने थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर थायरोट्रोपिन दे दिया, वहां से क्या हुआ कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन अब सेक्रेट होगा। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सेक्रेट होने के बाद क्या होगा कि वो बोलेगा भाई तू कुछ करो, स्टिमुलेट करो, अब उसके वजह से थायराइड हार्मोन सेक्रेट हुआ, T3 T4 सेक्रेट हुआ। जैसे कि T3 T4 सेक्रेट हो जाता है, ऊपर खबर कर देता है भाई हम सेक्रेट हो गए, अब तुम नॉर्मल हो जाओ, तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन वहां थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन अपना सेक्रेशन थोड़ा सा मेंटेन कर लेता है। लेकिन इसमें क्या कारण है, क्यों होगा, ये सारी प्रक्रिया डिस्टर्ब हो जाती है, इसके पीछे कारण है कि ऑटो इम्यून स्वतः प्रतिरोधी क्षमता के होने वाली बीमारी के कारण, या हैशिमोटो थायराइडाइटिस जो कि फैमिली में जनरली जेनेटिक वंशानुगत, उस वंश से उस वंश में, उस वंश से उस वंश में
हो जाता है। दूसरी बात है कुछ कभी अगर थायराइड ग्लैंड का किसी कारण जैसे हेड या नेक का सर्जरी करा रहे हैं उस समय थोड़ा सा उसको इंजुरी हो जाना, क्षति पहुंचना, वैसा भी एक कारण है। साथ में क्या है, रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी अगर ले रहे हैं कैंसर के केस में, रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी कर रहा है तो वैसे केस में भी हाइपोथायरायडिज्म होता है तो वैसे करते वहां भी हाइपोथायरायडिज्म ये होने लगता है। दूसरा है कि लिथियम और आयोडीन का अगर लगातार हम कंज्यूम कर रहे हैं या ऐसी दवा ले रहे हैं जिसमें लिथियम एंड आयोडीन है तो वैसी गड़बड़ी में आपको थायरोटॉक्सिक लिथियम हार्मोन यानी कि हाइपोथायरायडिज्म मिलेंगे, है ना, मिलेंगे, सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं, ये कारण है। अब ये रिस्क किस में सबसे ज्यादा हाइपोथायरायडिज्म का, तो सबसे ज्यादा रिस्क है अगर जेंडर में देखा जाए, लिंग में देखा जाए तो महिला सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। इसका रीजन वैसे क्लियर नहीं है, कारण क्या है पूरा क्लियर नहीं है, लेकिन हाँ ये अंदाज लगाया जाता है कि फीमेल हार्मोन जो एस्ट्रोजन है उसके प्रभाव के चलते ये गड़बड़ी होती है। दूसरा एज है, जैसे कि जो ओल्डर एडल्ट्स है उसमें ज्यादा संभावना होती है, ऐसे एडल्ट जो कि ओल्डर है यानी कि कह सकते हैं कि बीच की अवस्था को जी रहे हैं, और जो लोग आयोडीन इंटेक ज्यादा या सफिशियंट एक्सेस करते हैं तो उनमें भी ये गड़बड़ी मिलने के चांसेस बनते हैं। इसका जांच कैसे करेंगे, तो जांच करने के लिए ब्लड टेस्ट कराएंगे, ब्लड टेस्ट के अंदर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का नॉर्मल डिफरेंस रेंज जनरली आता है, लेकिन जांच करेंगे उसका उसमें पता चल जाएगा, T3 T4 करेंगे तो हमें पता चल जाएगा, यानी थायराइड हार्मोन का टोटल और पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन की जांच करने से हमको पता चल जाएगा। अब इसका इलाज क्या है मैं फिर सुझाव दूंगा आपको कि स्वतः आप इस वीडियो को सुनकर के स्वतः दवा नहीं, क्या जानकारी लें कि आपको ये गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन आप अगर चिकित्सक नहीं है तो आप कुशल चिकित्सक के परीक्षण में ही जाएं और वहां जांच कराएं। तो देखिए इसमें क्या होगा कि इसके लिए हम लोग थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन लेवल को 10 ml से ज्यादा माने कि कम नहीं होने देते हैं, अगर 10 ml पर मिलीलीटर माने पर मीटर IU है, इंटरनेशनल यूनिट है, तो वैसे केस में लिवोथायरॉक्सिन हम लोग देंगे, लिवोथायरॉक्सिन देंगे जिससे ये मेंटेन हो जाएगा। कॉम्प्लिकेशन क्या आ जाती है अगर नहीं इलाज कराए तो हार्ट डिजीज हो जाएगा जिसमें कि ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़ा हुआ मिलेगा और बार बार कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ मिल सकता है, बढ़ सकता है, और प्रेगनेंसी लॉस होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो ये हमने चर्चा की आपसे सब क्लिनिकल हाइपोथायरायडिज्म के बारे में, उम्मीद है कि पसंद आई होगी, छोटी सी जानकारी है लेकिन कभी कभी जिंदगी में छोटी मोटी बातें बड़ी काम कर जाती है। जो बच्चे ऐसे मेरे साथ ही जो कि मेडिकल का प्रिपरेशन कर रहे हैं या UG में कर रहे हैं या अन्य भी जानकारी, चूंकि रिविजन में होता रहना चाहिए, मेडिकल साइंस का भी नियम है, और जानकारी ज्ञान चूंकि अथा है, जितना ज्यादा हम गोता लगाएंगे उतना ही हमारे जीवन के लिए उपयोगी होगा। तो आज इसी आप देखते रहिए डॉक्टर राजाओ लाइफ स्टूडियो, और फिलहाल दीजिए अपने प्यारे दोस्त डॉक्टर राजाओ को अलविदा, फिर मिलेंगे हम आपसे अगली कड़ी में खूबसूरत जानकारी के साथ, तब तक के लिए।